इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को भेज रहे थे सिग्नल। इस बीच चांद पर ऐसा गर्जा चंद्रयान 2, नासा तक पहुंची दहाड़, हिल गया चीन। चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रयान 2 को मिली बड़ी कामयाबी। पहले चांद की सतह पर बर्फ और फिर बाहरी वातावरण में खोज डाली ऑर्गन 40 गैस। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यानी 7 सितंबर 2019 के दिन इसरो टीम अपने दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसा खबर सुनाती है जिससे पूरा भारत मायूस हो गया था। दरअसल उस दिन चांद पर गया भारत का मिशन चंद्रयान 2 लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था। वो दिन भारत के इतिहास का सबसे मनहूस दिन था। लेकिन उसी दिन इसरो ने यह ठान लिया था कि चांद पर चंद्रयान 3 को भेजकर चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को पूरा करेंगे और 4 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद इसरो ने पिछले दिनों चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, जो कि धरती का 5वां चक्कर लगाते हुए चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसने नासा और चीन को हैरान परेशान कर दिया है। तो क्या है वो खबर, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल इसरो का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2, जिसे फेल बताया जा रहा था, वो अब अपनी गहरी नींद से जाग चुका है और ऐसी करामात करके दिखा रहा है जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज हक्की बक्की हो गई हैं, क्योंकि अपने लाखों डॉलर्स के मून मिशन भेजकर जो काम वो लोग नहीं कर पाए, वो अब इसरो का वो मिशन करके दिखा रहा है जिस पर दुनिया ने फेलियर का ठप्पा लगा दिया था। हालांकि दोस्तों, इसरो को अपने इस अंतरिक्ष यान पर पूरा भरोसा था और जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग की वजह से तबाह हो गया था, तब भी इसरो ने कहा था कि हमने इस मिशन के 90 से 95% उद्देश्यों को पूरा कर दिया है। यानी चंद्रयान 2 मिशन पर इसरो ने जो 5 साल और 978 रुपए झोंक दिए थे, वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए हैं। लेकिन उस वक्त नासा, चीन, सोवियत यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मानना था कि चंद्रयान 2 ने अपने मुख्य उद्देश्य यानी लैंडिंग करने को पूरा नहीं किया है। मगर अब चंद्रयान 2 के ऐसे करामात हो गए हैं जिन्हें देखकर इन सभी की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, बेशक चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था और उसके उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इस मिशन में इसरो ने सिर्फ लैंडर को ही चांद की सैर करने नहीं भेजा था, बल्कि लैंडर को चांद तक ले जाने वाला बड़ा हिस्सा यानी ऑर्बिटर उस वक्त भी सही सलामत था और 100 किलोमीटर × 100 किलोमीटर की कक्षा में हमारे चंदा मामा की परिक्रमा कर रहा था। और बड़ी बात यह है कि इसरो ने उस ऑर्बिटर पर 1-2 नहीं बल्कि 8 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पेलोड यानी उपकरण लगाए थे, जो चांद के ऊपर ढकी सफेद चादर से अंदर झांककर इसके अंदर मौजूद खजाने से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत है और ये पूरे 7.5 सालों तक बिना थके चांद के चक्कर लगाता रहेगा और हमें चांद के बारे में डेटा भेजता रहेगा। लेकिन दोस्तों, वो समय ऐसा था कि लोगों की नजर सिर्फ चंद्रयान 2 के लैंडर पर टिकी हुई थी और ऑर्बिटर को तो लोग भूल ही गए थे। लेकिन अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है कि सुनकर पूरे वैज्ञानिक जगत के अंदर हड़कंप मच चुका है। दरअसल आज तक सिर्फ यही कहा जाता था कि चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहां के वातावरण में कोई गैस मौजूद नहीं है और चंद्रमा सिर्फ एक एयरलेस बॉडी है। लेकिन अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसरो को जो डेटा कलेक्ट करके भेजी है, उसके मुताबिक चांद के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है, यानी कि चांद पर एक पतला वातावरण मौजूद है जिसमें कई महत्वपूर्ण गैसेस हो सकते हैं। चंद्रयान 2 की इस खोज को लेकर इसरो ने बताया कि यान के ऑर्बिटर पर लगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर चेस्ट 2 उपकरण ने चांद के एक्सोफियर यानी कि बाहरी वायुमंडल में ऑर्गन 40 यानी कि 40 AR गैस का पता लगा लिया है। बता दें कि एक्सोफियर खगोलीय ग्रह या उपग्रह के ऊपरी वातावरण का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है और यहीं मिली ऑर्गन 40 गैस की खोज से हमें चंद्रमा के बाहरी वातावरण के बारे में जानने में काफी मदद मिलने वाली है। इस खोज के बारे में आगे बात करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान 2 ने यह ऑब्जॉर्व किया है कि दिन और रात के दौरान इस ऑर्गन 40 गैस में भिन्नता दिखाई दी है। उनके मुताबिक जब चंद्रमा पर दिन होता है तो ये गैस कंडेंस हो जाती है, आसान शब्दों में होकर जम जाती हैं, और जैसे ही दिन होता है
ये एक बायो की तरह ही रिलीज होकर वातावरण में रिलीज होने लगती हैं। दोस्तों, ये चंद्रमा के वातावरण की सबसे बड़ी खोज इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अगर यहाँ ऑर्गन 40 गैस मौजूद है तो हो सकता है कि डीप ऑब्जर्वेशन करने पर हमें चंद्रमा के वातावरण में मौजूद शेष गैसों के बारे में भी पता लग सके। इसलिए हम इस खोज को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर कह सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि ऑर्गन गैस खोजने के अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पिछले 4 सालों में चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। इसके बारे में शायद हर भारतीय नहीं जानता होगा, लेकिन चंद्रयान 2 की हर खोज को देखकर काफी लंबे समय से नासा और चीन पानी पानी हो रहे हैं। जैसा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर OHRC यानी ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से भी चांद की बारीक से बारीक तस्वीरें खींच रहा है और इसने चांद के कई बड़े क्रेटर्स का पता लगाकर फोटोज के जरिए इनकी मैपिंग भी कर ली है। जैसा कि आप इस फोटो में चांद का जो क्रेटर देख रहे हैं उसका नाम मित्रा है, जिसका नाम भारत के जाने माने फिजिसिस्ट CC कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। 92 किलोमीटर चौड़ा यह क्रेटर चांद की वेस्ट साइड पर मौजूद है। इस तरह चंद्रयान 2 की मदद से चांद के छोटे मोटे क्रेटर्स और पहाड़ के हाई रेजोल्यूशन फोटोज इकट्ठा कर लिए गए हैं और इसने चांद की सतह का नक्शा बना दिया है जो न सिर्फ चंद्रयान 3 बल्कि भविष्य में होने वाली सभी मून मिशन में काम आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रयान 2 पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी लगा हुआ है जिसने चांद की सतह पर क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम जैसे मूल्यवान खनिजों का पता लगाया है। वहीं साल 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी, लेकिन कई वैज्ञानिक चंद्रयान 1 की खोज से संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्लिस और वाटर आइस होने के बाद पर ठप्पा लगाकर उन सभी के मुंह को बंद करवा दिया है जो इस बात से इनकार कर रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रयान 2 पर एक ऐसा उपकरण लगा हुआ है जो चांद नहीं बल्कि सूरज की स्टडी करता है। जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे। इसरो के वैज्ञानिक हमेशा दूर की सोचते हैं और उन्होंने चंद्रयान 2 पर एक एक्सरे मॉनिटर लगाया है जो सूर्य की सतह पर हो रहे धमाकों की स्टडी करता है। इन्हीं धमाकों की वजह से सूर्य का आउटर लेयर यानी कोरोना काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और इन्हीं की वजह से कई बार सूर्य से बड़े बड़े सौर तूफान निकलते हैं जो अपने आसपास वाले ग्रहों और उपग्रहों पर हमला करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर सौर तूफान क्यों नहीं पहुंच पाते, तो बता दें कि पृथ्वी के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है जो इन किरणों को आसपास धकेल देती है और कई बार ये तूफान पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में आसमान में चमक रहे अरोरा के रूप में दिखते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सौर तूफानों के आने का समय और तीव्रता के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे वैज्ञानिक इनसे बचने की तकनीक खोज पाएं, क्योंकि कई बार ये सौर तूफान इतने रौद्र रूप धारण कर लेते हैं कि किसी भी चीज को पल भर में जलाकर राख कर दें। और अंतरिक्ष में तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें बचाने तो नहीं आएगा ना। आखिर में दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट की बात करें तो चंद्रयान पृथ्वी को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ जाने वाले हाईवे को पकड़ने वाला है, जिसके लिए बेंगलुरु में बैठे इसरो के वैज्ञानिक 1 अगस्त के दिन बटन दबाकर चंद्रयान 3 के सभी इंजन को पूरी क्षमता के साथ ऑन करने वाले हैं ताकि चंद्रयान धरती के गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर निकलकर चांद तक जाने के अपने सफर में आगे निकल जाए, जिसके बाद चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर को खुद से अलग कर देगा जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके चंद्रयान 2 के बचे हुए मिशन को पूरा करेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 की इस करामात को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसरो के चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसे बड़े मिशन की पल पल की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।